हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। होप गाइस, इसका पहले का ऑडियो बुक जो है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी बेनिफिशियल लगा, ठीक है? आपका प्यार देख के काफ़ी अच्छा लगा। सो स्टार्ट करते हैं हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, डेट इज योर कॉकरोच से, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटोमी ऑफ कॉकरोच। 4 मार्क आपका श्योर है नीट में, ठीक है? बस इसे आँख बंद करके रिकॉलिंग कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो कॉकरोच जो होते हैं ये नॉक्टर्नल है, रात को एक्टिव एनिमल है, ओमनिवर है, कुछ भी खाते हैं, ठीक है? कलर इनका ब्राउन से ब्लैक, ब्राइट येलो, ब्राउन से ब्लैक होता है जो आपको दिखता है, ठीक है, ब्राउन कलर का। ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर भी होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में दिखता है, ठीक है? नॉर्मली साइज जो है आपका 1/4 inches से 3 inches तक होता है, डेट इज 0.6 to 7.6 centimeter। ऑलराइट, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। जिसे हम कॉमन लेके स्टडी करेंगे वो है आपका पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। तो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है ब्लैटेरिया, ठीक है? जेनस पेरिप्लैना अमेरिकाना, स्पीसीज है अमेरिकाना। सो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी से, एक्सटर्नल से। सो ये जो होता है पेरिप्लैना अमेरिकाना, इसका लेंथ 34 to 53 millimeter होता है और फिर 3.4 to 5.3 millimeter लॉन्ग। इसका बॉडी एक्सोस्केलेटन जो है हार्ड काइटिन का बना रहता है, ब्राउन कलर का, ठीक है? और वो जो एक्सोस्केलेटन का जो प्लेट है उसे हम कहते हैं स्क्लेराइट। अगर डोर्सल तरफ में है तो टर्गाइट, वेंट्रल में है, स्टर्नम होता है तो उसे हम कहते हैं स्टर्नाइट। और ये प्लेट स्क्लेराइट आपस में जुड़े हुए हैं थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से, जिसे हम आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बॉडी में इसका 3 रीजन होता है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, ठीक है? सो स्टार्टिंग विथ हेड। हेड जो होता है आपका ट्राइंगुलर होता है, 6 सेगमेंट का फ्यूजन से बनता है, ठीक है? और हेड जो है बॉडी का वो 90 डिग्री लॉन्जिट्यूडनली एंगल में रहता है। इसका मोबिलिटी हेड का बहुत ज़्यादा है, क्यों? ड्यू टू दी फ्लेक्सिबल नेक, और नेक क्या है, प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन है, ठीक है? हेड में आपका ये पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना होता है जो एनवायरमेंट को मॉनिटर करेगा। ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई होता है एंड इसका माउथ पार्ट कैसा होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ठीक है? नाउ कमिंग टू माउथ पार्ट। माउथ पार्ट में क्या होता है आपका, लेब्रम होता है, ठीक है? एक लेब्रम होता है, लेब्रम आर है, आर से रम, रम से याद रखना दारू पी के लोग उड़ते हैं, तो ये अपर लिप है। लेबियम जो है वो लोअर लिप है। 2 मैंडिबल्स होते हैं एंड आपका 2 मैक्सिला होता है। मैक्सिला जो होता है आपका सेंस ऑर्गेन है, ठीक है? और लेबियम भी सेंस ऑर्गेन है क्योंकि वहाँ पल्प्स होते हैं, और मैंडिबल जो है वो ग्राइंडिंग के काम आते हैं। इनका एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हो हाइपोफेरिंग्स। डायग्राम आई होप आपको सब याद आ रहा है एनसीईआरटी का, ठीक है? आँख बंद करके सुनते रहिए। थोरेक्स का 3 पार्ट होता है, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। कॉकरोच का 6 लेग्स होता है तो हर थोरेक्स में 2-2 करके हैं, प्रोथोरेक्स में 2, मेजोथोरेक्स में 2, मेटाथोरेक्स में 2, ठीक है? और विंग्स 4 है तो मेजोथोरेक्स में आपका मिडिल में 2 विंग्स एंड लास्ट वाला मेटा में 2 विंग्स। पहले आ रहा है मेजो तो वहाँ का जो विंग्स है उसे हम कहते हैं 4 विंग्स, मेटा पीछे है तो उसका विंग्स को हम कहते हैं हैंड विंग, ठीक है? नाउ हेड इज कनेक्टेड टू थोरेक्स बाय नेक, और नेक क्या है, शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ योर प्रोथोरेक्स, ठीक है? एंड इच थोरेसिक सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, ऑलरेडी बताया, तो 2 pairs ऑफ विंग्स भी प्रेजेंट होता है, 4 विंग एंड हैंड विंग। 4 विंग मेजोथोरेसिक के रीजन में रहता है, उसे हम कहते हैं टेगमिना। वो क्या होता है, ओपेक होता है, कुछ दिखाई नहीं देगा आर पर, डार्क एंड लेदरी होता है। क्यों उसे होना पड़ता है, बिकॉज उसका काम है प्रोटेक्शन, किसको को प्रोटेक्ट करेगा, तो हैंड विंग को प्रोटेक्ट करेगा एट रेस्ट, इट कवर द हैंड विंग्स एट रेस्ट। एंड नाउ हैंड विंग जो मेटाथोरेसिक रीजन में है वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स एंड फ्लाइट में यूज होता है, ठीक है? नाउ कमिंग टू एब्डोमेन। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होता है, ठीक है? बट अगर फीमेल का बात करूँ तो फीमेल का 7, 8 और 9 जो स्टर्ना होता है वो मिला के आपका बनेगा ब्रूड या जेनेटल पोच, और 7 नंबर जो सेगमेंट होता है वो बोट शेप होता है, ठीक है? एंड दिस जेनेटल पोच कंटेन फीमेल गोनोपोर, ठीक है, स्पर्मेटिकल पोर जहाँ स्पर्म स्टोर होगा मेल कॉकरोच का, एंड कोलेट्रल ग्लैंड जो उथिका को रिलीज करेगा, ठीक है? और इन मेल्स में जेनेटल पोच जो होता है वो लाई करता है बाय 9th and 10th segment, और वो कौन सा, टर्गा। टर्गा मतलब आपका डोर्सल तरफ में है, और 9th वाला स्टर्ना से बनेगा वेंट्रली, ठीक है? और इसका क्या कंटेंट करता है जेनेटल पाउच, तो डोर्सल एनस, ऑब्वियसली एनस डोर्सल है, वेंट्रल मेल जेनेटल पोर है, गोनोपोर एंड गोनेपोफाइसिस जो एक्सटर्नल जेनेटलिया होता है गोनेपोफाइसिस, ठीक है? एंड दोनों सेक्शन में 10th नंबर सेक्शन में आपका ए पेयर ऑफ जॉइंटेड एनल सर्की प्रेजेंट होता है, बोथ मेल एंड फीमेल में, ठीक है?
जो सेंस ऑर्गन का काम करता है, और मेल में एक शॉर्ट थ्रेड लाइक होता है जिसे आप बोलते हो एनल स्टाइल, और वो नाइन्थ सेगमेंट के साथ जुड़ा रहता है। ऑलराइट, सो आपका स्टार्ट करते हैं अब हम नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो इसका एलिमेंट्री कैनल का तीन पार्ट होता है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट और हाइंडगट क्यूटिकल से लाइन होता है, ठीक है। तो फोरगट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, फिर क्रॉप। क्रॉप जो होता है स्ट्रक्चर याद करो, थैला जैसा था, तो वो फूड को स्टोर करेगा। देन गिजर्ट, गिजर्ट को प्रोब वेंट्रिकुलस भी कहते हैं। गिजर्ट क्या होता है, ग्राइंडिंग में काम आता है। इसका आउटर लेयर थिक सर्कुलर मसल होते हैं, और इनर वाला जो होते हैं आपका, इनर में जो होते हैं क्यूटिकल जो होते हैं, वो सिक्स कैटिनियस प्लेट बना लेते हैं जो ग्राइंडिंग के लिए हेल्प होगा, ठीक है। मिडगट को मेसेंटेरोन भी कहते हैं, इट इज नॉट लाइन बाय क्यूटिकल्स। एंड बिटवीन फोरगट एंड मिडगट आपको 6 से 8 ट्यूबल दिखेगा, उसे हम कहते हैं हिपाटिक और गैस्ट्रिक सिका, जो कि क्या करेगा, आपका डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा, ठीक है। और मिडगट और हैंडगट के जंक्शन में आपको 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसे आप बोलोगे मल्फिगेन ट्यूबल, जो क्या करेगा, एस्किशन करेगा, ठीक है। और हैंडगट, तो हैंडगट जो है आपका पता ही है कि वो क्यूटिकल से लाइन है, और मिडगट से हैंडगट जो है वो थोड़ा ब्रॉडर होता है, ठीक है। हैंडगट क्या इंक्लूड करता है, इलियम, कोलोन, रेक्टम। आई होप आपको डायग्राम रिकॉल हो रहा है, रेक्टम ओपन आउट हो जाएगा थ्रोहिनस, ठीक है। नाउ कमिंग टू सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड सर्कुलर सिस्टम जो होता है इनका ओपन टाइप होता है, ब्लड वेसल्स आर वेरी पोअरली डेवलप, और ब्लड डायरेक्टली पोर होता है ओपन स्पेस में, जिसे हम कहते हैं हेमोसील। विसरल ऑर्गेन्स लोकेटेड इन हेमोसील उस स्पेस में आर बर्थ इन टू ब्लड, और इसका ब्लड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ। कलरलेस, कंसिस्ट ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स, मतलब प्लाज्मा होता है एंड कुछ सेल्स होते हैं। दे डोंट हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसलिए कलरलेस होते हैं, ठीक है। अब हार्ट का बात करते हैं, तो इसका हार्ट हम लोग की तरह नहीं होता, इसका हार्ट जो होता है एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है, जो कहाँ लाई करता है, एलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। वो फाइनल शेप चैम्बर होता है जो ओस्टिया से ओपन रहता है ताकि ब्लड सर्कुलेट करे, ठीक है। फिर ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया के मदद से एंटर करेगा, एंड इस पंप एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन। ऑलराइट, अभी आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इसका रेस्पिरेशन काफ़ी सिंपल है, इट कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, जो बाहर खुलेगा थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, कहते हैं स्पेरिकल्स। कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। द थिन ब्रांचेस ऑफ लेटरल ट्यूब, जो ब्रांचेस होते हैं, मतलब देखिए स्पेरिकल्स ट्रेकिया और ट्रेकियल ट्यूब से ब्रांचेस आएगा, उसे बोलेगा ट्रेकियोल्स, वो कैरी करेगा ऑक्सीजन बाहर से टू बॉडी का ऑल पार्ट में, ठीक है। और जो स्पेरिकल्स होते हैं लेटरल साइड में, उसका ओपनिंग में कुछ स्पिंचर होता है जो रेगुलेट करेगा, और गैस एक्सचेंज टेक प्लेस ट्रेक्यूल से, जो गैस एक्सचेंज होगा वो डिफ्यूजन से होगा। इतना ही पॉइंट यहाँ जानना है। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका एक्सक्रीटरी यूरिक एसिड करता है, इसलिए इसको यूरिकोटेलिक कहते हैं, बाय मल्फिगेन ट्यूबुल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम मल्फिगेन ट्यूबुल्स, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसका जो ट्यूबुल है माइक्रोबियल मल्फिगेन ट्यूबुल, इट इज लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड टिश्यू, ठीक है। सो बॉडी टिश्यू से हेमोसिल में नाइट्रोजनस वेस्ट आपका पोटेशियम यूरेट का फॉर्म में आता है, और पोटेशियम यूरेट का फॉर्म में मल्फिगेन ट्यूबुल लेगा, और उस पोटेशियम यूरेट को आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके आपको यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर देगा, और पोटेशियम जो बाइकार्बोनेट है वो पास से कैविटी में रिटर्न कर देगा। तो थोड़ा ज़्यादा बता दिया, पर सिंपल भाषा यही है कि सिंपल भाषा में दे अब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कन्वर्ट अप इनटू यूरिक एसिड, ठीक है। एंड इट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू हाइंडगट। नर्वस सिस्टम, तो इसका नर्वस सिस्टम जो है सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया होते हैं, डेट आर जॉइंटेड बाय पेयर लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है। 10 गैंग्लिया होता है, जिसमें से एक बड़ा गैंग्लिया होता है जो ब्रेन रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कहते हैं सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन, जो नर्व सप्लाई करेगा टू एंटीना एंड कंपाउंड आई। 3 गैंग्लिया थोरेक्स में होता है, 6 एब्डोमेन में होता है। सो हेड में सिर्फ थोड़ा ही नर्वस सिस्टम होता है, और रिमेनिंग पार्ट में सारा, इसलिए उसका हेड को काट भी दो तो 1 वीक तक वो सर्वाइव करता है, ठीक है। इसका सेंस ऑर्गन है एंटीना, आई, मैक्सिलर बल्ब्स, लेबियल बल्ब्स, ऑलरेडी बोला, एंड एनल सर्की। सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ एंटीना मॉनिटर द इन्वायरमेंट। इसका जो आई होता है वो 2000 हेक्सागोनल सेल से मिलकर बनते हैं, उसे हम कहते हैं ओमाटीडिया, ठीक है। उससे वो जो इमेज होता है सेवरल इमेजेस कलेक्ट करता है, और वो सब विजन को हम कहते हैं मोजाइक विजन, जो कि मोर सेंसिटिव बट ऑफ लेस रिजोल्यूशन होता है,
ठीक है, इसलिए राइट को नाइट को एक्टिव रहता है नॉक्टर्नल विजन। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करें तो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। टेस्टिस जो है लेटरली लाई करता है इन दी फोर्थ टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। टेस्टिस से आपका वास डिफरेंस में जाएगा, ओपन होगा वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल विच जोड़ के उसके साथ इजैकुलेटरी डक्ट में एंड मेल गोनोपोर से बाहर होगा, ठीक है। सेमिनल वेसिकल क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है और स्पर्म को वहाँ टुगेदर ग्लू कर देता है, बंडल्स बना देता है, और स्पर्म का बंडल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर जो डिस्चार्ज होगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन। इसका एसेसरी ग्लैंड जो है वो इंक्लूड करता है आपका मशरूम ग्लैंड जो कि सिक्स से सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट में है एंड फेलिक ग्लैंड, ठीक है। उसका सिक्रेशन आपको स्पर्म को नरिशमेंट करेगा एंड इट्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज मेल गोनोपोफाइसिस और फेलोमेयर्स, ठीक है, जो कि काइटिनस होते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज ओवरीज, ओविडक्ट, स्पर्मेटिका, जेनिटल चैम्बर एंड कोलेटरल ग्लैंड्स। ओवरी लाई लेटरली कौन सा सेगमेंट में, टू टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट। इच ओवरी इज फॉर्म ऑफ एट ओवरियन ट्यूबुल जिसे ओवरियोल्स कहते हो, ठीक है, विच कंटेन ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओविडक्ट ऑफ इच ओवरी यूनाइट इंटू ए सिंगल मीडियन ओविडक्ट जिसे आप वजाइना कहते हो, जो कि ओपन हो जाएगा कहाँ, जेनिटल चैम्बर में। ए पेयर पेयर ऑफ स्पर्मेटिका इज प्रेजेंट कौन सा सेगमेंट, सिक्स सेगमेंट में, वो भी आपके जेनिटल चैम्बर में ही ओपन होगा जहाँ स्पर्म स्टोर होता है। एंड स्पर्म्स आर ट्रांसफर टू स्पर्मेटोफोर एंड द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड देयर फर्टिलाइज एग्स आर एनकेस्ट कवर हो जाता है ऊथिका से। तो ऊथिका डार्क रेडिश टू ब्लैक ब्राउनिश कलर का कैप्सूल है, लेंथ 8 मिलीमीटर लॉन्ग, याद रखिएगा। एक फीमेल 9 से 10 ऊथिका बनाती है उसके, ठीक है, और हर ऊथिका में आपका 14 से 16 एग्स होते हैं। तो वो उथिका रिलीज करते हैं, उसके बाद वो एग से आपका छोटा छोटा कॉकरोच निकलेगा। तो डेवलपमेंट जो है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना का वो पोरोमेटाबोला से है, डेट इज थ्रू निम्फल स्टेज। नाउ निम्फ एडल्ट की तरह दिखते हैं बट एडल्ट है नहीं, ठीक है। उस निम्फ को एडल्ट बनने के लिए 13 बार मोल्टिंग करना पड़ेगा, मोल्टिंग मतलब जैसे सांप अपना छल्ला छोड़ता है इसे भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और 13 बार मोल्टिंग करेगा तो द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग स्पेड, विंग नहीं है विंग स्पेड है, मतलब 12 नंबर वाला जो मोल्टिंग होगा ना उसका विंग स्पेड आ जाता है, विंग्स नहीं है, ठीक है, विंग्स सिर्फ एडल्ट का होते हैं। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का बात करें तो दे आर पेस्ट बिकॉज दे डिस्ट्रॉय फूड एंड कंटेमिनेट इट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा, ठीक है। दे ऑल्सो ट्रांसमिट बैक्टीरियल डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। आई होप गाइस आपको ये सीरीज बहुत ही मजा आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए नेक्स्ट किस चैप्टर में बनाओ, ठीक है। सो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।